मेरा नाम महिमा सिंह है। महिमा सिंह जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा मोदी भगाइए, पीएम नहीं, मोदी जी उनके कहने से थोड़ी भाग जाएंगे। मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बने हैं तो अपने वेशभूषा पर बने हैं, और वो मोदी जी को गुंडा बता रही हैं, अमित शाह को गुंडा बता रही हैं, वो खुद हिटलर शाही अपना दिखा रही हैं, उसका पूरा प्रदर्शन दिखाई देने को मिलता है कि वो कितना अपने आप को हिटलर बन रही हैं। जरा सा भी नहीं लगता कि वो मुख्यमंत्री हैं, और इतना उनके अंदर उबाल आ गया है, ऐसा लग रहा है कि सत्ता उनके हाथ से जा रही है और वो बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी कर रही हैं। नहीं, अभी आपके सुनने में आया, पूरा देश सुन रहा है, न्यूज़ पर चैनल पर चल रहा है कि पीएम मोदी को हटाइए, पीएम मोदी को भगाइए, क्या इस तरीके से आपत्तिजनक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, ये बहुत बड़ा गलत स्टेटमेंट दे रही हैं कि प्रधानमंत्री को भगाइए। प्रधानमंत्री तो पूरे हिंदुस्तान के हैं, वो कैसे भाग सकते हैं? उन्होंने तो वो करके दिखा दिया कि वो भाग ही नहीं सकते, ममता बनर्जी से भी नहीं भाग सकते, मायावती जी से भी नहीं भाग सकते, ना पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भाग सकते, उनको भगाने वाला कोई फायदा नहीं लिया है। अच्छा ये बताइए, परसों रैली थी वहाँ पर, रोड शो था अमित शाह का, वहाँ पर कुछ तोड़फोड़ करी गई है और क्या नाम है, आगजनी करी? हाँ, तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है, पथराव किया गया है, और वहाँ पर पुलिस के साथ भी हाथापाई हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, तो ये सब तो इस तरीके से देख रहे हो आप, क्या उसकी पुलिस खुद नहीं, ये मर्यादा नहीं है, वो बिल्कुल मर्यादा का उल्लंघन कर रही हैं, और वो जाने वाली हैं बस। कुछ लोग ये बता रहे हैं प्रशासन उसी के तरीके से नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रशासन उन्हीं के तरीके से चल रहा है, प्रशासन तो बचाव करता है, प्रशासन की उसमें हम गलती नहीं देंगे कि प्रशासन की गलती है, कहीं पथराव हो रहा है, कहीं लाठी चार्ज हो रहा है, वो क्या समझ रही है अपने आप को? बंगाल जो है किसी के बाप की विरासत नहीं है, सबका है। तो वहाँ तो जर्नलिस्ट के साथ भी एक बदतमीजी की जाती है, उनके कैमरे तोड़े जाते हैं अगर वहाँ पर कवरेज करने के लिए, तो गलत है ना, ऐसे मुख्यमंत्री को हटा देना चाहिए, बंगाल के लोगों को चाहिए कि ऐसे मुख्यमंत्री को, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, सबसे बड़ा तो लोकतंत्र की हत्या है, वो सीधे सीधे लोकतंत्र पर प्रहार कर रही है, गुंडा लुच्चा बता रही है, राष्ट्र स्तर के नेताओं को, प्रधानमंत्री को बता रही है, ऐसा लगता है कि उनका जो है सत्ता हाथ से जा रहा है। क्या नाम है सर? मेरा विवेक मित्तल। मित्तल जी किसको बना रहे हो, सहारनपुर का एमपी? सहारनपुर का एमपी तो राघव जी बनेगा। राघव जी का ऐसा क्या देखा है जो राघव जी बनेगा? तो कुछ नहीं उनमें, लेकिन जीतेगी तो बीजेपी। फिर भी क्या विकास हुआ है? विकास हुआ है सहारनपुर में, चारों तरफ विकास। वोट राघव को गया या बीजेपी को? बीजेपी को। राघव नहीं गया? राघव किसी के काम नहीं आते हैं, कहीं भी बुला लो वो काम नहीं आते हैं। तो फिर किस मुद्दों को लेकर आपने वोट किया? हमने अपने मोदी को दिया वोट। अच्छा, मोदी जी की चौकीदारी अच्छी लगी? हाँ, हम भी चौकीदार हैं, बनने के लिए तैयार है, देख लो कि हमरे क्या किया। हाँ, हम भी चौकीदार हैं और मोदी जी के साथ हैं, डंडा लेके। अच्छा, तो चौकीदारी अच्छी लगी 5 साल के अंदर? बिल्कुल। क्या क्राइम पे कंट्रोल हुआ? क्राइम पे कंट्रोल हुआ है और देश में चारों तरफ विकास हो रहा है, और अभी आप ये देखोगे चारों तरफ विकास हो रहा, हमारा पैसा हमारे काम आ रहा, यह आज से 60 साल से आज तक नहीं हुआ था जब से कांग्रेस की सरकार हुई। जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं चौकीदार चोर है, तो क्या कहेंगे? अगर राहुल गांधी जी से पूछा जाए कि अभी केरल में एक मंदिर का खजाना खुला था, 6 गेट खुले थे उसके, उसमें से कई टनों सोना निकला था, उस सोना वो कहाँ पे गया? क्या वो आम पब्लिक तक आया? वो पैसा आया आम पब्लिक तक? नहीं आया, बताओ। अच्छा, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कह रही है कि एमपी को भगाओ, इस बारे में आपका क्या कहना है? फ्रॉड है, सब फ्रॉड है। क्या लगता है उसकी सरकार बननी चाहिए बंगाल में फिर से? नहीं नहीं, हर जगह बीजेपी। सहारनपुर में टक्कर किस पार्टी की है? सहारनपुर में बीजेपी की टक्कर है। दूसरी आपकी, दूसरी कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो टक्कर ले सकती है बीजेपी की। टक्कर तो दो ही होती है, एक ही तो होने जब कोई जीत नहीं सकती। आप देखना रिजल्ट आएगा,
बीजेपी जीतेगी। चारों तरफ टक्कर देगा वो। अच्छा, चारों तरफ। इमरान मसूद तो देखो एक किस्मत की बात, अगर वो जीत जाते हैं, लेकिन मुश्किल है, मुश्किल है। फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी ही जीतेगी 100%। बीजेपी जीतेगी। सहारनपुर में नेता कौन सा बनता है? सहारनपुर में नेता तो देखो काम करने वाला जो नेता है वो राघव लखनपाल ही है। जो लोगों के काम आते हैं, हाँ, लोगों के काम भी आते हैं। वैसे आप तो कह रहे हैं अभी हमारे काम नहीं आए, वो ऐसा नहीं, वो काम आते सबके हैं, बस कोई काम ऐसा है जो आ जाते हैं और कोई काम। हाँ, तो ये क्या है, क्या नाम है सरकार आपका? मेरा नाम मोहम्मद जिसान है जी। ये बताइए सहारनपुर में किसे एमपी बना रहे हैं? हमने तो भाजपा को दिया जी वोट। अच्छा, अपने नेता की वजह से मैल लगे नेता है हमारे। किन मुद्दों के लेकर वोट दिया है आपने? मुद्दे हमारे हिंदुस्तान में अमन चैन हो, बस झगड़ा ना हो, गुंडागर्दी ना हो, विकास हो बस। क्या विकास हुआ 5 साल में? विकास सबको दिख रहा जी, जो हो रहा विकास तो बढ़िया हो रहा है। विकास सही हो रहा विकास। हाँ, तो किसे बना रहे हो एमपी फिर? हम तो राघव लखनपाल शर्मा को बना रहे जी, क्योंकि जब भाजपा को दिया हम दूसरे को कैसे बना देंगे। और फजलुर रहमान टक्कर कौन दे रहा है सहारनपुर से? टक्कर तो सब ही दे रहे हैं, अभी अपना सब आंकड़ा लगा के बैठे हुए, मैं जीतूंगा। फिर भी आप तो एक लोकतंत्र है, आप ही सिर्फ सरकार बना सकते हो, और कोई तो बना नहीं सकता। आप लोकतंत्र है, आपको तो ज़्यादा ही पता होगा। ऐसा नहीं, कोई भी फिलहाल जो है जब 23 मई खुल जाएंगे जब ही पता चल पाएगा कौन जीतता कौन नहीं आ रहा है। फिर भी आपको अंदाजा हो कौन टक्कर दे रहा है सहारनपुर से? दो में से टक्कर तो जो है जी फिलहाल तीनों की हो रही है, फजलुर रहमान की और जी कांग्रेस प्रत्याशी की और इधर राघव लखनपाल शर्मा जी की। अच्छा, कैसा लगा है 5 साल के अंदर काम, कैसा लगाया? काम बहुत अच्छा लगा, कोई गुंडागर्दी नहीं हुई, कोई ऐसा नहीं, सही चल रहा है फिलहाल। क्राइम पे कंट्रोल हुआ? हाँ, क्राइम पे कंट्रोल हुआ। ये बताइए सहारनपुर में नेता कौन सा सबसे अच्छा है? नेता सब अच्छा है जी, खराब कोई नहीं है। रहमान तो मतलब वो अपने, इमरान मसूद भी अपनी जगह ठीक है, बाकी लेकिन आते नहीं बनते नहीं सांसद। हाँ, वैसे अच्छा नेता कौन सा लगा आपको सहारनपुर से? सहारनपुर वैसे नेता तो सारे बढ़िया भाई, लेकिन मैं प्रशासन को भी कंट्रोल में करता है और विकास भी करता है इस चीज के मामले में तो भाई क्या नाम, बोलो राघव लखनपाल ही है। क्या नाम है सर आपका? ये नरेश कुमार मित्तल। नरेश कुमार जी, 5 साल राघव लखनपाल के पूरे हो चुके हैं, तो फिर से किसे नया चुनेगी एमपी, या फिर से राघव लखनपाल आना चाहिए? भाई हमारे लिए तो मोदी आना चाहिए। नहीं, सहारनपुर से, बस सहारनपुर से कोई भी आओ लेकिन मोदी आना चाहिए जी। नहीं, मोदी जी तो मैं राघव लखनपाल को वोट किया, मोदी को किया है हमने तो। अच्छा, देश का प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए। अच्छा, और सहारनपुर से? बस सहारनपुर से जो उनकी पार्टी के होंगे वो होंगे। नहीं, सहारनपुर से सीट किसकी निकलवा रहे हो, किसे बनवा रहे हो एमपी? एमपी राघव लखनपाल। और फजलुर रहमान से कभी बातचीत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ था, फिर क्या मतलब वो कर सकते? और इमरान मसूद जी से भी कभी बात नहीं हुई है। क्या टक्कर कौन देगा? तुम दो में से टक्कर कौन देगा? भाई देखो, टक्कर की तो बात ये है, वो जाने टक्कर तो होती है जब दो पार्टियाँ आपस में लड़ती हैं। अच्छा जी, जब दो पार्टी आपस में लड़ती हैं तो टक्कर। अच्छा, एक सवाल पूछना था आपसे जी, बोलिए। उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन हुआ है सपा और बसपा का, गठबंधन क्यों किया है उन्होंने, क्या इनकी मजबूरी बन गई थी? भैया जब कोई भी व्यक्ति सही काम करता है तो उसको रोकने के लिए सारे जितने भी मतलब जो एलिमेंट होते हैं सब इकट्ठे हो जाते हैं, वही गठबंधन होता है। तो इसका मतलब मजबूरी बनी गई थी? वो तो मजबूरी थी जो उनकी। अच्छा, और राहुल गांधी जिस तरीके से बोल रहे 72,000 रुपये सालाना दूंगा मैं। हाँ, तो जब वो देंगे जब आप भी देख लियो। नहीं, आप बताइए कि ना, मैं आपको लगता है अगर सरकार बनी तो 72,000 रुपये देंगे? बिल्कुल भी नहीं आ सकते जो लगता है। आप गणित जोड़ लीजिए किस तरीके से देंगे वो जो। और जिस तरीके से वो चौकीदार को चोर बता रहे हैं, इसे किस तरीके से? तो वो तो आप भी देखे कि वो चोर है या चौकीदार है। आप लोग हमारे लिए तो चौकीदार हैं।